वेलकम एवरी वन दिस इज़ पूनम जाधव इन टूडेज़ फिजिक्स सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटमोस्पेयरिक प्रेशर इन प्रीवियस टू क्लासेस वी आर डिस्कस अबाउट प्रेशर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड प्रेशर तो लिक्विड प्रेशर के बारे में हमने एक स्टडी किया था कि लिक्विड प्रेशर प्रेशर एग्जर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन एंड जैसे ही हम लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ा दें तो प्रेशर भी ज़्यादा एग्जर्ट होता है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर में और एयर प्रेशर में क्या होता है वो हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट दिस इज एयर प्रेशर और एग्जांपल ऑफ एयर प्रेशर सी अब यहाँ पे आपको एयर और गैस मॉलिक्यूल्स गैस फ्लो होती हो फ्लो होती हो रही दिख रही है तो क्या हो रहा है लिक्विड प्रेशर में लिक्विड ऑल डायरेक्शन में सेम फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो गैस प्रेशर में भी गैस मॉलिक्यूल्स ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं यानी कि हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और जैसे ही हम एयर एयर प्रेशर में और एटमोस्पेरिक प्रेशर में भी वैसे ही सेम जैसे ही हम कॉलम की हाइट बढ़ा दें और हम नीचे की तरफ जाए डेप्थ में जाए तो प्रेशर क्या होता है ज़्यादा एग्जर्ट होता है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है देखिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर एटमोस्पियर के बहुत सारे लेयर हैं जो फर्स्ट लेयर है वो ट्रोपोस्पियर सेकेंड स्ट्राटोस्पियर थर्ड मेसोस्पियर फोर्थ थर्मोस्पियर एंड फो थर्मो फिफ्थ एग्जोस्पियर तो कौन से लेयर पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा हमने लिक्विड प्रेशर में एक एग्जाम्पल स्टडी किया था जैसे ही हमने बॉटल में पानी फिल किया वाटर फिल किया और एक होल किया ऊपर की तरफ से तो पानी फ्लो होने लगता है और जब नीचे की तरफ से होल किया तो ज़्यादा प्रेशर से पानी फ्लो होने लगता है क्यों होता है क्योंकि नीचे की तरफ से नीचे जो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका मास ज़्यादा होता है उनके ऊपर बहुत सारा वॉटर होता है यानी कि वहाँ पे ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है बट जो ऊपर वाला गैस मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कम फोर्स एग्जर्ट होता है इसकी वजह से उस पर कम प्रेशर एग्जर्ट होता है तो एटमोस्पेरिक प्रेशर में भी सेम थिंग वही है देखिए ट्रोपोस्पियर ये जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर और लेयर से यानी कि यहाँ का मास क्या है ज़्यादा है वेट ज़्यादा है इन एज कंपेयर टू इन फोर लेयर तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट होगा हर एक लेयर तो फोर्स एग्जर्ट कर ही रही है तो यहाँ पे ट्रोपोस्पियर पे ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इसकी वजह से ट्रोपोस्पियर पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है स्ट्रेटोस्पियर में स्ट्रेटोस्पियर में भी प्रेशर एग्जर्ट होगा बट ट्रोपोस्पियर से कम प्रेशर एग्जर्ट होगा मेसोस्पियर में उसके थोड़ा सा कम थर्मोस्पियर में और कम एक्जोस्पियर में और कम क्योंकि एग्जॉस्पियर में उसके ऊपर पर फोर्स कम अप्लाई हो रही है उसकी वजह से प्रेशर भी कम एग्जर्ट हो रही थी सो देखिए एक्जोस्पियर पे लेस प्रेशर थर्मोस्पियरलेस लेस ट्रेटोस्पियर लेस बट ट्रोपोस्पियर में क्या होगा ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है तो ओवरऑल एटमोस्पेयरिक प्रेशर में भी वही होता है जो लिक्विड प्रेशर में होता है प्रेशर एग्जर्ट फोर्स इन ऑल डायरे प्रेशर और एटमोस्पेरिक गैस मॉलिक्यूल एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन और जैसे ही हम नीचे चले जाएँ हाइट बढ़ा दे तो प्रेशर भी ज़्यादा एग्जर्ट होता है सी इसका डेफिनेशन देखिए वॉट इज द एयर प्रेशर एयर प्रेशर और एटमोस्पेर एटमोस्पेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेट ऑफ एयर प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर और एटमोस्फेयरिक प्रेशर एयर प्रेशर इज एग्जर्ट इन ऑल डायरेक्शन एयर प्रेशर भी ऑल डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करता है ऑल डायरेक्शन मीन्स डाउन अफ एंड साइड वे एनी साइड द एयर प्रेशर इज पुशिंग डाउन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली बैलेंस द एयर प्रेशर पुशिंग ऑन द ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे ही एयर प्रेशर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है वो बैलेंस करता है जो अपवर यानी कि अपवर जो फोर्स अप्लाई होने वाला है उसके साथ बैलेंस करता है सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एयर प्रेशर सी अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमने एक बॉटल ली इसमें वाटर फिल किया है और उस पर उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा है जैसे ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कार्बोर्ड उसके साथ चिपक जाएगा और उसके ऊपर और रखे आ, होगा और अगर हमने उस बोतल को उल्टा किया देखिए इस डायग्राम में तो कार्बोर है वो नीचे मतलब वो उसके ऊपर ही बोतल के ऊपर ही रहेगा वो नीचे नहीं चलाएगा क्यों होता है ये एयर प्रेशर की वजह से होता है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल भी उस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं सो देर इज अटमोस्पेरिक प्रेशर अब देखिए अगर उसी बॉटल को हमने होल किया उसी बॉटल को हमने होल किया तो क्या होगा एक कार्डबोर्ड चला जाएगा मतलब फिसल जाएगा और पानी बहने लगेगा तो ये नीचे की तरफ से तो फोर्स अप्लाई ही हो रहा है अपवर डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पे होल किया है उसमें एयर उस बॉटल में, में एंट्री करती है और एंटर करती है एयर और गैस यहाँ पे एंटर करती है तो यहाँ पे दो फोर्स होते हैं एक तो एयर वाला और लिक्विड वाला और नीचे की तरफ से सिर्फ क्या है एयर मॉलिक्यूल का और गैस का प्रेशर है तो ऊपर तो की तरफ से दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और नीचे की तरफ से सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से कार्डबोर्ड नीचे चला जाता है क्योंकि अपवर्ड फोर्स क्या है अपवर्ड फोर्स सेम है बट डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है इंक्रीज हो रहा है वहां पे देखिए डाउनवर्ड प्रेशर इंक्रीज यानी कि जो हम डाउनवर्ड में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इंक्रीज हो, हो रहा है इंक्रीज यानी कि जो यहाँ पे इसमें जो प्र... प्रेशर एग्जर्ट था ओ प्लस इस एयर जो अंडर आ रही है उसका प्रेशर यानी कि एक प्रेशर और एक प्रेशर दो प्रेशर हो गए लेकिन अपवर्ड में जो प्रेशर आने वाला है उसके ऊपर उसका सिर्फ एयर मॉलिक्यूल का ही प्रेशर है गैस का ही प्रेशर है यहाँ पे दो प्रेशर है यहाँ पे एक ही प्रेशर है इसकी वजह से ये कार्बोर्ड फिसल जाता है सो डाउनवर्ड प्रेशर इज इंक्रीज डाउनवर्ड प्रेशर क्या होता है इंक्रीज़ होता है अपवर्ड प्रेशर रिमेन सेम अपवर्ड प्रेशर सेम है जो एयर उस पर एग्जर्ट कर रहे है. इसकी वजह से कार्डबोर्ड नीचे फिसल जाता है और पानी बहने लगता है दिस इज बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर नेक्स्ट वॉट इज द एटमोस्पेरिक प्रेशर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेट ऑफ द एटमोस्पियर एटमोस्पियर के वेट की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है यानी कि गैस की तरफ से जो प्रेशर होता है, उसे कहते हैं प्रेशर। एटमोस्पेरिकेशन वैल्यूरोन पॉइंट सिक्स नाइन फाइव नाइन पाउंड इंच एटमोस्पेरिक प्रेशर में बैरोमीटर सी लेवल पे रफली यानी कि राउंड ऑफ करके फोर्टीन पॉइंट सिक्सटी नाइन पर स्क्वायर इंच इतना प्रेशर एग्जर्ट होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बैरोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं सो ओवरऑल दिस इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हमें बैरोमीटर की ज़रूरत पड़ती है यानी कि प्रेशर मेजर करने के लिए हमें बैरोमीटर की बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट देखिए अब देखिए यहाँ पे एक बलून है गैस प्रेशर डिपेंड ऑन बोथ डेंसिटी एंड टेम्परेचर गैस प्रेशर एक डेंसिटी एंड टेम्परेचर पे के ऊपर डिपेंड है डेंसिटी मीन्स मास वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सो यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल है वो गैस प्रेशर जो एग्जर्ट होने वाला है वो डेंसिटी एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है एडिंग एयर मॉलिक्यूल इंक्रीज द प्रेशर इन बलून जैसे ही हम बलून में एयर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा उसमें एयर मॉलिक्यूल इंसर्ट होंगे यानी कि ऐड होंगे तो उसका प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा जैसे हमने एयर मॉलिक्यूल को ऐड किया तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा हीटिंग द एयर ऑल्सो इंक्रीज द प्रेशर एयर को अगर हम हीट करेंगे तब भी उसमें प्रेशर इंक्रीज़ ही होगा सो so, देखिए अगर एयर मॉलिक्यूल को ऐड किया तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा हीट किया एयर को तब भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा एयर प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन एयर प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन हर एक डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली एग्जर्ट होता है एयर में और एटमोस्पेरिक प्रेशर में इक्वल डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट होता है मेजरिंग एयर प्रेशर सो so, अभी हमने देखा एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हमें बैरोमीटर की ज़रूरत पड़ती सो दिस इज़ अ बैरोमीटर इस पर मर्क्यूरी फील किया जाता है सो so, जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो मर्क्यूरी की हाइट बढ़ेगी जैसे प्रेशर कम होगा मर्क्यूरी की हाइट कम होगी अब बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर बैरोमीटर प्रेशर मेजर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वन एयर प्रेशर इंक्रीज द मर्क्यूरी इन द ट्यूब राइजेस जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा इस ट्यूब में जो मर्क्यूरी फिल किया है उसकी हाइट बढ़ेगी यानी वो राइज होगी और एयर प्रेशर कम होगा वैसे ही वो मर्क्यूरी uh, की हाइट डिक्रीज होगी सो दिस इज़ अ बैरोमीटर सो ओवरऑल हमने एयर प्रेशर में क्या स्टडी किया है कि एयर प्रेशर एग्जर्ट अ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन में एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है और वही जैसे ही हम नीचे चले जाएँ लिक, सेम लिक्विड प्रेशर की तरफ़ डेप्थ में चले जाए तो प्रेशर भी इनक्री ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट एयर प्रेशर